जनपद में 16 मार्च बुधवार को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के अवसर पर 12 से 14 वर्ष के बच्चों का भी कोरोना रोधी टीकाकरण किया जाएगा। टीकाकरण का शुभारंभ दिन में 11 बजे से सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्रामीण एवं नगरीय जनपद में भी किया जाएगा, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि इस टीकाकरण में 2010 के पूर्व पैदा हुए बच्चों को टीकाकरण किया जाएगा, उन्हें कोवैक्सीन लगाई जाएगी। इसमें 0.5 ml की वैक्सीन बाएं हाथ पर लगाई जाएगी। जनपद के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर और अर्बन स्वास्थ्य केंद्रों पर वैक्सीन से शुभारंभ किया जाएगा। बुधवार को सुबह 11 बजे जिलाधिकारी विजय किरण आनंद द्वारा महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के प्रांगण में टीकाकरण का शुभारंभ किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, उनको निर्देश प्राप्त हुआ है कि 12 से 14 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण का महाअभियान कल प्रातः हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इसमें 2010 के पूर्व पैदा हुए बच्चों का टीकाकरण कराया जाएगा। कोवैक्सीन नामक वैक्सीन लगाई जाएगी, जो भारत की ही वैक्सीन है। इसमें 0.5 ml की वैक्सीन बाएं हाथ के कंधे पर लगाई जाएगी और यह 28 दिन के अंतराल पर होगी। जनपद के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर और अर्बन स्वास्थ्य केंद्रों पर यह वैक्सीन से हम कल शुभारम्भ करेंगे और माननीय जिलाधिकारी महोदय कल 11 बजे जो है राणा प्रताप डिग्री कॉलेज में जो है इसका शुभारंभ उनके कर कमलों से हम कराएंगे।